हम जा रहे हैं अपने गांव बिलवाड़ा। अरे बुणास आ गए, अभी हम जा रहे हैं गायों को छोड़ने। देखिए लक्की भी है साथ में, ये गाय जा रही चारों, हम इनको अभी खेत छोड़ने जा रहे हैं। ये देखिए अभी हम जा रहे हैं नारायणखेड़ा, ये रास्ते में चल रहे हैं। ये देखिए अभी हम आ गए नारायणखेड़ा में। ये देखिए ये हमारे पूरा पानी भरा हुआ है नदी में, नारायणखेड़ा वाली में। आगे जहाँ नहाने का देखा बताएंगे आपको। आगे हमारे बाड़े में तोड़ हम करूँगा। ये देखिए वो जामफल का पेड़ पर जामफल लग रहे, वो केले का है, वो ना अनार लग रहे। ये जामफल का ये करूँदे का, अब इसको तोड़ेंगे, इसकी बनाएंगे सब्जी। इसलिए मम्मी ने बोला लेकर जा रहे हैं ये अभी तोड़ के। अभी हम जा रहे खेत पे हमारे कुछ लगी हुई ककड़ी वकड़ी तोड़ने के। देखिए जंगल में क्या मस्त व्यू हो रहा है, देख सकते हो आप। ये हमारी स्कूटी, अभी हम आए हैं खेत पे। देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, ये घास सूख गई है, पानी से हम निकाल रहे स्कूटी। देखिए कहाँ तक आता है पानी, ये पानी निकाल दिए, कोरा कीचड़ है अंदर स्कूटी का, अटक नहीं जाए पानी के अंदर। ये देखिए कोरा कीचड़ जैसे हो रहा, अगर यहाँ से निकले स्कूटी अटक भी जाए। देखिए पर साइलेंसर पानी नहीं भरा इसलिए निकल गई। आगे भी इतना बड़ा खड्डा है, देखिए यहाँ से निकल पाती नहीं निकल पाती है। मुझे लगता है शायद निकल जाएगी यहाँ से भी, पर पानी स्ट्रेट साइलेंसर तक आ गया, पर साइलेंसर बच गया इसे निकल गई। और ये पुलिया बना हुआ है, पुलिया मतलब ऊपर रास्ता बना हुआ है, और साइडों में भी फुल पानी भरा हुआ है। और ये भी हमारे खेत पर पानी बहुत है, पर खेतों में आज यहाँ बिलवाड़ा में बारिश बहुत अच्छी हुई है। सागो अभी हमारे खेत पे, ये देखिए अभी इसको खोलते हैं, इसको यहाँ से खोला, इसको अंदर की तरफ धकेला, चावल बांधे इन्हें। ये लगी हमारी डीपी, कि हमारे खेत की मोटर चलती है। ये हमारा खेत है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक बोरिंग है पूरा। और ये हमारे बड़े दादाजी का खेत है। लगे पाजी फटक हैं, ये तो पूरी दीवार कर दी है वापस, क्योंकि ताकि कोई घुसे नहीं। ये हमारा कुआ, देखिए फुल टकाटक भरा हुआ है कुआ, तो फुल पानी भरा, पता नहीं ये कौन मर गया अंदर गिर के, पानी खूब है। पर इसमें ये गाय है, ये हमारी बनी है, ये हमारा खेत है, खेत में ताला लगा है कैसे खुला ही है वैसे। ये देखिए बनी हमारी, देखिए तोड़ लिया किकोड़े सारे। और ये कुएं पानी देखिए अब तो फुल टकाटक भरा हुआ है कुआ, थोड़ी सी बारिश के बाद और भर जाएगा। वो चरी पैसे हमारी हिजारी की, यानी कि जो हमारे खेत संभालता है उनकी। और वो सामने बोरिंग है जहाँ से कि पानी की पूर्ति की जाती है थोड़ी बहुत, बाकी कुएं से हो जाती है। ये हमारी डीपी, और वो बाहर खड़ी है हमारी स्कूटी।